दोस्तों जब आप दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और फिर थक जाते हैं, तो उसके बाद सबसे पहली ऐसी कौन सी चीज है जो आप पीना पसंद करते हो? अच्छा ये बताइए कि हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए हवा के बाद सबसे ज्यादा एसेंशियल चीज कौन सी है? जवाब बहुत ही आसान है और इसे मैं और आप दोनों जानते हैं, जो कि है पानी। कहने को तो पानी सिर्फ एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, पर अगर इसके ऊपर रिसर्च करने बैठ जाओ तो लिटरली ये कभी भी खत्म नहीं होगी। इतने बड़े ब्रह्मांड में पहली बार पानी कहाँ से आया था, धरती पर पानी कैसे आया, वो आज तक यहाँ पर कैसे मौजूद है, और क्या आज से अरबों साल पहले धरती पूरी तरीके से पानी से घिरी हुई थी, यानी कि क्या यहाँ पर जमीन का कोई भी टुकड़ा नहीं था, छोटा सा भी नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस छोटे से वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए सॉल्व करते हैं वाटर की इस बिलियंस ऑफ इयर्स पुरानी मिस्ट्री को। दोस्तों हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पता है, धरती की उत्पत्ति के बारे में भी पता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में पानी कैसे बना होगा? आज से तकरीबन 14 बिलियन साल पहले एक सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट करती थी, और जब वो बर्स्ट हुई तो एक बड़ा सा धमाका हुआ। उस सिंगुलैरिटी के एक्सप्लोजन को कहते हैं द बिग बैंग, जिससे हमारा यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार ओरिजिनेशन के बाद केवल 3 एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में मौजूद थे, हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। मतलब कि ब्रह्मांड के शुरुआती सालों में केवल यही 3 एलिमेंट्स मौजूद थे, और यह सिलसिला बरकरार रहा लगभग 40 करोड़ सालों तक। अब जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पानी 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो मान लो शुरुआत से ही मौजूद था, लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आया? तो इस सवाल का जवाब भी हमें इसी टाइमलाइन में मिलेगा। यूनिवर्स के क्रिएशन के बाद कई सारे स्टार्स की फॉर्मेशन हुई, और ये सभी तारे मेजरली केवल 2 एलिमेंट से बने थे, एक था हाइड्रोजन और दूसरा हीलियम। बिग बैंग से अराउंड 400 मिलियन साल बाद इन स्टार्स का एवोल्यूशन चालू हो गया था। तारों में हो रहे इसी एवोल्यूशन के चलते उनके सेंटर यानी कि कोर में भी काफी हलचल मच रही थी। इन स्टार्स के अंदर लगातार कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस चल रही थी, जिसकी वजह से इनके कोर में कुछ हैवी एलिमेंट्स डेवलप हो रहे थे, और साथ ही साथ अलग अलग एलिमेंट्स का फ्यूजन भी हो रहा था। डेवलप हो रहे इन हैवी एलिमेंट्स में से एक था ऑक्सीजन। कुछ मिलियन सालों बाद जब वो तारे एक्सप्लोड हुए, तब उन्होंने अपने अंदर पनप रहे ऑक्सीजन एटम्स को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। अब यही वो समय था जब ऑक्सीजन एटम्स पूरे ब्रह्मांड में अपने सफर के लिए निकल चुके थे। अब ऐसा किसी एक तारे के साथ नहीं हुआ था, बल्कि तब से लेकर आज तक जितने भी तारे फट रहे हैं, ये सभी अपने अंदर से हैवी एलिमेंट्स रिलीज करते हैं, क्योंकि उनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक प्रोसेस होती रहती है। उसी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस की वजह से हैवी एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन आज भी यूनिवर्स में फॉर्म होते हैं। इसके बाद ये ऑक्सीजन पार्टिकल्स अनंत ब्रह्मांड में कई बिलियन सालों तक घूमते रहे, और लगभग 8 से 9 बिलियन सालों तक घूमने के बाद ये फाइनली एक ऐसी प्रेशर कंडीशन में पहुंचे जहां पर इन्होंने हाइड्रोजन एटम्स के साथ रिएक्ट किया, और इन दोनों के फ्यूजन से हमें मिली ब्रह्मांड की पहली पानी की बूंद। तो अब समझ लीजिए कि पानी की एक बूंद को बनने के लिए ब्रह्मांड में क्या क्या हुआ था। अगर इस बात को कोई मेरे जैसा स्पेस लवर सुनेगा तो पहली बार में उसे गूज़बम्स आ जाएंगे, केवल इस बात को डीपली रियलाइज करेंगे कि ब्रह्मांड में पहली बार पानी कितनी जटिलता से जूझने के बाद बना था। आज के समय से अप्रोक्स 4.7 बिलियन साल पहले इस ब्रह्मांड में पानी की उत्पत्ति हुई थी। अब यह वाटर मॉलिक्यूल यूनिवर्स में खुलेआम घूम रहे थे, कभी किसी प्लैनेट में अटैच हो जाए तो कहीं किसी एस्ट्रॉइड में एब्जॉर्ब हो जाए। इसके अलावा नए नए वाटर मॉलिक्यूल्स भी यूनिवर्स में जनरेट हो रहे थे। इस इन्वेंशन के 100 मिलियन साल बाद ही कुछ कॉस्मिक डस्ट एक छोटे से एरिया में इकट्ठा होना शुरू हो गई। ये कॉस्मिक डस्ट कुछ ऐसे इकट्ठा हुई कि पहले कुछ गैस जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के कंपोजिशन से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टार बना, और उसके बाद उस स्टार के ऑर्बिटल पॉइंट्स में 8 मेजर प्लैनेट्स फॉर्म हो गए। इन प्लैनेट्स के 100 से भी ज्यादा मून बने, और अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे विशालकाय सोलर सिस्टम की। हमारा सौर मंडल जितना प्राचीन है उतना ही अनोखा भी है। जब शुरुआत में यह सारे ग्रह बने तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी रही होगी,
क्योंकि इतनी सारी कॉस्मिक डस्ट के एक जगह कलेक्ट होने पर हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी ही होगी। इस गर्मी को बढ़ावा देने के लिए हमारा सूरज भी बहती गंगा में हाथ धो रहा था। तो सवाल यह आता है कि धरती पर इतने गर्म तापमान होने के बावजूद अचानक से यहाँ पर इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? तो सवाल यह आता है कि धरती पर इतने गर्म तापमान होने के बावजूद अचानक से यहाँ पर इतना सारा पानी कहाँ से आ गया? सालों तक इस बात की खोज चलती रही, पर ज्यादातर साइंटिस्ट इस मामले में केवल एक ही थियोरी पर बिलीव करते हैं, जो कि है एस्ट्रॉइड कोलिजन की थियोरी। आज से लगभग 4.5 बिलियन साल पहले, जब धरती के अलावा सभी ग्रह अपनी जगह बना रहे थे, तब ऑलमोस्ट हर एक ग्रह पर बहुत ज्यादा एस्ट्रॉइड्स की बारिश हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, कुछ एस्ट्रॉइड इतने ज्यादा खतरनाक होते थे कि वो अर्थ के कुछ हिस्से को ही धरती से अलग कर देते थे। एंड यहाँ पर ऑरिजिनेट होती है ए पॉसिबल थियोरी ऑफ मून फॉर्मेशन, जिसके अकॉर्डिंग जब भी एस्ट्रॉइड अर्थ को हिट करते थे तो उसका जितना भी टुकड़ा स्पेस में चला जाता था वो सब कलेक्ट होकर मून के शेप में आज बन चुका है। पर इसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे। आज बात करते हैं पानी की। वैज्ञानिकों के हिसाब से उस समय जिन भी एस्ट्रॉइड्स ने अर्थ को हिट किया था, उन सभी की सरफेस पर एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद था। जब उन्होंने अर्थ को हिट किया तो धरती की कंडीशंस की वजह से उनके अंदर का पानी बाहर आ गया, और जैसे जैसे एस्ट्रॉइड कोलाइड करते गए यह पानी और ज्यादा बढ़ता गया। ये बात फुल्ली प्रूव्ड है, और अगर आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इसे पढ़ सकते हो। जब जियोलॉजिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने एक साथ मिलकर इस बारे में और ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश की, तो वह भी इसी कंफ्यूजन पर पहुंचे कि मोस्ट ऑफ द वाटर एस्ट्रॉइड से ही आया है, क्योंकि उन्होंने जब कुछ स्पेसिफिक एरियाज में एस्ट्रॉइड्स की जांच की तो उन्हें हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का एक एवरेज रेशियो मिला, जो रेशियो आज से कई साल पुरानी पानी के डेटा से काफी ज्यादा मैच कर रहा था। हेंस प्रूव्ड कि धरती पर पानी एस्ट्रॉइड से ही आया होगा। लेकिन आप में से कई लोगों के दिमाग में अभी ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि एस्ट्रॉइड्स इतना ज्यादा पानी कैसे अब्सॉर्ब कर सकते थे, और क्या ऐसे और भी कई सारे मिनरल्स हैं जो ऐसी एबिलिटी को रख सकते हैं? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो इसका मतलब ये है कि आपने हमारी मंगल ग्रह वाली वीडियो नहीं देखी है। इसमें हमने मंगल ग्रह और पानी से जुड़े हैरान कर देने वाले खुलासे के बारे में बात की है। तभी मैं बार बार कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी डिटेल ना छूटे, लेकिन तुम लोगों के मानते ही नहीं। पर दिल छोटा मत करो यार, काम चलाओ, नॉलेज तो अभी मैं दे देता हूँ। तो इस समय आप जिस ब्लू स्टोन को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है रिंगुडाइट, और यह अर्थ के मेंटल में पाया जाता है। इसकी खासियत यह है कि इसका छोटा सा टुकड़ा भी इतना ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसको एग्जैक्ट नंबर्स में तो मापा भी नहीं जा सकता। अब इसके बारे में आगे थोड़ा सा और जानेंगे। हमने आपसे शुरुआत में 4 सवाल पूछे थे, जिनमें से 2 के जवाब हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अब पहुंचते हैं अपने तीसरे सवाल पर कि क्या आज से 3.5 बिलियन साल पहले पूरी धरती केवल पानी से घिरी हुई थी और यहां पर जमीन का कोई भी टुकड़ा नहीं था? तो अगर क्लियर कट जवाब दूं तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ, उस समय धरती पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ था। अब इसका रीजन भी सुनो। जियोलॉजिस्ट ने दुनिया के लगभग हर एक कोने पर जाकर कुछ सैंपल्स इकट्ठा किए। उन सभी को एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अफ्रीका या अमेरिका या इंडिया, बड़े से बड़ा देश और छोटे से छोटा देश भी आज से 3.5 बिलियन साल पहले पानी में सबमर्ज्ड था। विच डेफिनेटली मीन्स कि 3.5 अरब साल पहले धरती पर कोई भी लैंड मास विजिबल नहीं था। पर तभी उठता है आज का चौथा सवाल कि जब धरती पर इतना ज़्यादा पानी था तो अचानक से वो कहाँ गायब हो गया? तो जिसने हमारा मार्स वाला वीडियो देखा था वो इसका आंसर अभी समझ गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा था, चलो आओ मेरे साथ, मैं समझाता हूँ। अभी कुछ देर पहले हमने आपको रिंगुडाइट को याद रखने के लिए कहा था, अब उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें सुनो। वाटर को सोखने वाले मिनरल्स जैसे रिंगुडाइट जब गर्म होते हैं या उनके आसपास बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते बल्कि एक्सेसिव हीट में उल्टा इसे रिलीज कर देते हैं। पर जैसे जैसे उनके आसपास का क्लाइमेट ठंडा होने लगता है, उनकी वाटर एब्जॉर्बिंग एबिलिटी दोबारा से एक्टिव हो जाती है और वह अपने काम को बहुत ही बखूबी से अंजाम देते हैं। आज से 4 बिलियन साल पहले धरती बहुत ही बुरी तरह से तप रही थी और इसी वजह से यह सब इनएक्टिव थे।
पर जैसे ही धरती ठंडी हुई और इसके ऊपर इतना ज्यादा पानी जमा हो गया तो इन्होंने सारे वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। इसके अलावा और भी कई सारे रीजंस हैं, पर वन ऑफ द मेन फैक्टर यही है। और कुछ बिलियन सालों तक ये कार्यक्रम चलने के बाद हमारे सामने एक सामान्य धरती पेश थी, जहां जमीन था, जीवन था। ऐसे और भी कई सारे पत्थर मिले हैं जो इस बात को और ज्यादा ठोस तरीके से साबित करते हैं, पर अगर उन सब के बारे में बात करते रहें तो वीडियो तो क्या, रात भी छोटी पड़ जाएगी। लेकिन चाहे जो भी हो, अगर आपको अभी तक भी कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप इस वाले वीडियो को जरूर जाकर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद हमारे आज वाले वीडियो को भी जरूर देखना, तब और भी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप इसी तरह से अंतरिक्ष के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।